थोड़ा सा धागा लपेटने के बाद मैंने स्क्रू ड्राइवर या फिर कील में डाल दी। बॉबिन केस में लगाया और बॉबिन केस के हुक से इसे निकाल दिया लाइक दिस। अब इसको हम शटल रेस में डाल दिया। मशीन को या तो आप यहाँ से खोलिए, यहाँ से खुल जाएगा, अदरवाइज आप इसको उल्टा करके यहाँ शटल रेस में इसको अटका दीजिए जब तक कि टिक की आवाज़ नहीं बोलता। नाउ इट्स रेडी टू वर्क। अब आप इसको वापस सीधा कीजिए और हम धागा भरेंगे मशीन में। धागा डालने के लिए आपने इसको लिया, धागे की रेडी को इसमें लगाया, देन इसी पॉइंट से आप ऊपर नीचे कितना थ्रेड लेकर जाइए, इसमें लगाइए, पिट्टी में घुमाइए, यहाँ अटकाते हुए धागे को पिन से थ्रेड गाइड से लेकर आई में डालिए, आई से बाहर निकालिए, इस हुक में डालिए थ्रेड गाइड में और फिर थोड़ा सा हैंड मिल को चलाते हुए नीचे के धागे को ऊपर उठा लीजिए एंड इट्स